इस मशीन के बारे में बताएंगे कि ये मशीन का यूज क्या है या फिर कौन सा ब्रांड का यूज करें। देखिए नॉर्मली ऐसा समझिए कि डीसी पावर सप्लाई मशीन का ऑन फोन को ऑन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और उसके बाद फोन को बूस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और बैटरी को बूस्ट करने के लिए, उसके बाद जो आईसी का वोल्टेज है उसको भी चेक करने के लिए इस मशीन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कौन सी आईसी खराब है, पावर आईसी खराब है या सीपीयू खराब है, इसके ऊपर रीडिंग क्या आ रही है। और सबसे जो खास चीज़ है कि इस मशीन से आप शॉर्ट रिमूव कर सकते हैं किसी भी फोन का, जो शॉर्ट क्लियर मशीन हम लोग अलग से लेते हैं उसका भी काम ये मशीन करेगा। तो कहने का समझ में ये है कि ये मशीन कौन सा खरीदे, इसमें कौन सा ब्रांड है या क्या रेट है। देखिए ये कोराड का मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से थोड़ा जो कोराड का मशीन जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग कावा का मशीन ले लेते हैं या और भी जो मशीन ले रहे हैं, तो वो सारे मशीन जो है ना थोड़ा सा वेट में कम होगा और थोड़ा दिक्कत आती रहती है। तो जिनको समझ में बिल्कुल ना आए, मेरे हिसाब से आप कोराड का ले लीजिए या मेरे यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं, जो भी मशीन आपको चाहिए। समझते हैं, ये चार टॉपिक्स हमने बताया। पहला तो बताया हमने फोन ऑन करने के लिए कितना वोल्टेज यूज करेंगे, इसमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं M1, M2, M3 और M4, यानी चार अलग अलग वोल्टेज आप करंट आप सेट करके रख सकते हैं और आप आसानी से काम कर सकते हैं। ये तरह का बूट केबल आपको फोन कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, आईफोन हो, बेसिक फोन्स हो, सारे कनेक्टर्स इसमें मिल जाते हैं। ये अलग से होता है, ये आपका बैटरी बूस्ट करने के लिए मशीन ये जो यूज करा जाता है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं आसानी से एंड्रॉयड की बैटरीज के लिए। चलते समझते हैं इस मशीन का यूज कैसे करते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया हमने, अब समझाते हैं वन बाय वन चीजें को। देखिए फोन को जब आप ऑन करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पे वोल्टेज सेट करिए। वोल्टेज सेट करने के लिए यहाँ पे आप को इसको निकाल लेते हैं, जब तक वोल्टेज पे इस पे जाइए, यहाँ पे 3.70 वोल्ट जो है मिनिमम कम से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम 4.20 जो एक बैटरी का वोल्टेज होता है वो होना चाहिए। तो आप इसको 3.70 थोड़ा सा बढ़ा के रख सकते हैं चाहे तो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 3.7 ही हो, लेकिन 3.70 से 4.20 के बीच में होने चाहिए। तो हम 4 वोल्ट पे इसको रख लेते हैं। दूसरा करंट सेट कर लेते हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग में जब फोन को ऑन करते हैं ना, तो करंट 2 एम्पियर भी चल सकता है, 2.5 एम्पियर भी चल सकता है, लेकिन सबसे सेफ जो एम्पियर है ना वो आप 1.5 एम्पियर रखिए। तो मेरा जो अनुभव है ये सबसे बेहतर ऑप्शंस हैं, तो 1.5 एम्पियर को आप रख लीजिए। और उसके बाद जो है M1 पे ये हमने सेट करा है, M2 पे अलग तरह की वोल्टेज है, M2 कैसे सेट करेंगे वो भी हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे सेट करा, अब जो है ये येलो वाला को रेड पे लगा दीजिए, बहुत सारे में ये रेड वायर का भी होता है, और ये ब्लैक वाला को इस पे लगा दीजिए, ठीक है। प्लस और माइनस को इंडिकेट करा हुआ है, और ये जो है ये जो बैटरी कनेक्टर्स हैं ये आप अपने फोन के बैटरी कनेक्टर में लगाइए, जहाँ पे बैटरी को लगाते हैं, और यहाँ से क्या कर लीजिए करंट दे दिया। अभी करंट हमने नहीं दिया, अभी इस पे करंट नहीं आएगा, लेकिन जब ऐसे ही यहाँ पे हम करंट देंगे तो ये बेसिक करंट 0.003 एम्पियर यूज कर रहा है, ये अपना जो खपत हो रहा है करंट का उतना दिखा रहा है, ये जीरो ही समझेंगे इसको। तो उसके बाद जो है इस कनेक्टर को हम लगा देंगे, तो पूरा जो अपडेट हमको फोन ऑन होगा कि करंट चलने लग जाएगा, इस तरह का चीज़ है। इस तरह का और भी वीडियोस हमने बनाए हैं, ये मशीन बेहतर है इसके लिए हमने इसको बताया है वीडियो। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा आपको क्या करना होता कि फोन का ऑन करने के लिए, तो आपने यूज कर लिया ऑन करने के लिए, दूसरा ऑप्शन क्या है कि भैया बैटरी बूस्ट करेंगे, तो बैटरी बूस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं समझिए। बैटरी बूस्ट करने के लिए मिनिमम वोल्टेज होना चाहिए 4.20, और करंट जो है उसको हम फ्लक्चुएट कर सकते हैं। मिनिमम वोल्टेज 4.20 होना चाहिए, और बहुत सारे लोग 15 वोल्ट पे 20 वोल्ट पे भी बूस्ट करते हैं। तो मेरा मानना है कि वोल्टेज बहुत ज्यादा मत रखिए, ये वोल्टेज को यदि बैटरी बूस्ट करते हैं तो मिनिमम 4.20 इतना पे आपका सबसे बढ़िया बूस्ट होता है, लेकिन चाहे तो आप 8 या 9 वोल्टेज तक जा सकते हैं, लेकिन जब इससे भी ज्यादा जाते हैं ना तो थोड़ा सा समझिए कि आप रिस्क में जा रहे हैं, बैटरी खराब होने का चांसेस है। अभी के जो बैटरी आ रहे हैं ना, सारे बैटरी में सेंसर लगे हुए होते हैं, तो ज्यादा वोल्टेज देने का नुकसान हो जाएगा, तो उतना ज्यादा वोल्टेज नहीं दीजिए। तो ये आपको वोल्टेज ऐसे याद रखिए 4.20 से लेके 8 वोल्ट तक रख सकते हैं, और करंट जो है वो आप ज्यादा रख सकते हैं, 1.5 एम्पियर रख लीजिए, 2 एम्पियर रख लीजिए, 3 एम्पियर रख लीजिए, 4.5 एम्पियर रख लीजिए, एम्पियर को कम ज्यादा करिए, लेकिन एम्पियर में भी 3 एम्पियर तक रहते हैं तो थोड़ा सा सेफ है, लेकिन ज्यादा एम्पियर जाने का आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। बैटरी आपका आसानी से बूस्ट हो जाता है, 4 वोल्ट और 3 एम्पियर रखिए, बहुत जबरदस्त बूस्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम लोग अगला जो काम करते हैं, बोर्ड से
सॉर्ट रिमूव करने का, ठीक है, समझिए बात को। यदि आपका फोन का बोर्ड यदि शॉर्ट है ना, तो यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। M1 पे एक तरह का हमने वोल्टेज सेट कर लिया है और M2 पे हम बोर्ड का शॉर्टिंग वोल्टेज को करते हैं सेट। तो शॉर्टिंग वोल्टेज के लिए समझिए, वोल्ट हमको नॉर्मल ही देना है, बैटरी वाला 4.20 के आसपास का ही वोल्टेज देना है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं करना है, वोल्ट वही देंगे। लेकिन करंट जो है, करंट हम लोग क्या करेंगे, शुरुआती में 3 एम्पीयर देंगे। नॉर्मली फोन ऑन करने के लिए हमने क्या करा, 4 वोल्ट यूज करा और 1.5 एम्पीयर यूज करा, है ना। दूसरा जो है, फोन का शॉर्टिंग रिमूव करने के लिए या शॉर्टिंग लीकेज पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 वोल्ट दे देंगे और 3 एम्पीयर देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी एरिया जो है ना शॉर्ट है, वो थोड़ा सा गर्म होने लगेगा। और इसके लिए एक रोजिन पेस्ट आता है, रोजिन पेस्ट के बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो रोजिन पेस्ट डाल के आप जो है ये पता कर सकते हैं कि फोन में कौन सा एरिया शॉर्ट है। जो भी लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, आराम से कॉल करके ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, घर बैठे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेरा सेंटर दरभंगा बिहार में है और मशीन सेलिंग जो हमारी दिल्ली से होती है। दूसरी चीज है, दूसरा वोल्टेज समझ में आया। तीसरा, यदि आपका यहां से भी फाइंड आउट नहीं होता है, तो आप अगला वोल्टेज क्या ट्राई कर सकते हैं, आपको एस्टेमेटिक डायग्राम के थ्रू यदि 3 एम्पीयर डाल के चेक करें तो आसानी से मिल जाता है, 90% तो मिल जाता है, मेरा जो अनुभव है। और 10% जो बोर्ड आपका शॉर्टिंग नहीं रिमूव होता है या लीकेज पता नहीं चलता है, तो आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, 4 वोल्ट ही रखिए। M2 में तो ये वोल्टेज सेट करा और M3 में आप सेट कर लीजिए 4 वोल्टेज और 4.5 एम्पीयर। सेट करना जान चुके हैं, 4 वोल्टेज और 4.5 एम्पीयर रखिए और उसके बाद जो है बोर्ड में पावर सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए वायर को, ये सारे कनेक्टर जो भी आपके फोन के मॉडल में लगता है उसको कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद जो है उसके बाद इसको बोर्ड में लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहां से जब भी हम करंट जब तक नहीं देंगे ना, तब तक जो है यहां पे करंट नहीं आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन एक अच्छे ऑप्शन है, यहां से आप करंट दीजिए और चेक कर लिए। और भी ऑप्शन है लेकिन मेरे हिसाब से यही सारे ऑप्शन आप याद रखिए तो काफी बेहतर है, नया ऑप्शन याद रखने से आपको नुकसान हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल लैब है तो यहाँ पे ही क्लासेज होती है। जो ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं तो आराम से मेरे यहाँ संपर्क करते हैं, सही, ठीक है। एक और ऑप्शन हमने बोला कि बोर्ड आईसी के बारे में वोल्टेज फाइंडिंग के बारे में। देखिए, जैसे ही 1.5 एम्पीयर पे लगाते हैं ना और 4 वोल्ट पे यहां से कनेक्शन करते हैं, तो यहां पे जो करंट चलती है फोन लगाने के बाद, ये अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स क्या होते हैं इसके बारे में भी जो है हम आपको आगे वीडियोज में बताएंगे, या फिर ऑनलाइन क्लासेस जो भी लड़के हैं या ऑफलाइन सेंटर पे है उसको तो सारा चीज पता ही है, तो ये सारे सेटअप आपको बताएंगे। बाकी मेरा जो एडवाइस है टोटल कंप्लीटली, जो भी मशीन चाहिए आप हमारे यहां से परचेज कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर लीजिए और साथ में जो है जो पावर सप्लाई ले तो कॉर्ड का ले ले, और कावा या फिर कोई अलग अलग तरह का ब्रांड आ रहा है जो इसका इसका वेट अच्छा खासा है, लगभग 6-7 केजी के आसपास, और जो सस्ता वाला होता है उसमें जो इसमें मटेरियल्स लगाए हुए अंदर के ना, वो बहुत बचत करी है कंपनी ने, तो सिर्फ वोल्टेज आउटपुट तो आ रही है लेकिन इस कंडीशन क्या होता है, कैपेसिटर फूल जाता है, कई बार ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो बैटरी बूस्टर है इसका मैकेनिक है, इसका क्या खासियत है कि जैसे ही आप इसको 4 वोल्ट ज्यादा दीजिएगा ना, इसका सेंसर जो है लोड नहीं ले रहा होता, ये लेटेस्ट वाला है, तो ISO और एंड्रॉयड आईफोन के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी है, और ये जो है आपको डिस्टर्ब करने लगता है, वोल्टेज आउटपुट नहीं देती है। ये जो है यहां से आप यूएसबी के थ्रू यहां से कनेक्शन दे दीजिए, और ये जो एंड्रॉयड फोन का बैटरी जो बूस्ट करने का आप लोगों को प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ से आपका बैटरी बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन था इस मशीन के बारे में, और जरूर आप लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं मशीन परचेज करने में या फिर कोई भी चीज़ में, तो आप हमें कॉल करें, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा।